तहसील सदर के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने संभावित बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने बाढ़ चौकियों की स्थिति का जायजा लिया तथा उसे सक्रिय रहने के निर्देश भी दिए। इसके संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि बरसात शुरू होने से क्षेत्र में बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसको देखते हुए बाढ़ क्षेत्रों में स्थापित बाढ़ चौकियों को सक्रिय किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। इसके साथ सिंचाई विभाग, बाढ़ खंड तथा तहसील सदर के कर्मचारियों की टीम भी गठित कर संभावित बाढ़ पर निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। सर, कल बाढ़ क्षेत्रों में बंदोबस्त किया गया, चूंकि बाढ़ का एक क्षेत्र है ये, और जून माह में बहुत बारिश हुई है, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, तो हमारा आसपास का जो एरिया है, खासकर उत्तरी भाग का जो एरिया है, वहाँ पे बाढ़ संभावित क्षेत्र है, तो वहाँ पे जगह जगह कटान है, जगह जगह बांध बने हुए हैं, तो तहसीलदार नायब तहसीलदार हमारे दोनों नायब तहसीलदार, उनके द्वारा उनका विजिट किया गया है और संभावित बाढ़ चौकी की स्थापना, संभावित बाढ़ आश्रय केंद्र की स्थापना और अन्य जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। और आज भी अभी तहसीलदार साहब वहाँ गए हैं और सिंचाई विभाग के अभियंताओं के साथ मिलकर वहाँ बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो भी दिए जा रहे हैं। सर, इसके लिए कोई टीम भी बनाई है बाढ़? हाँ, बाढ़ के लिए हमारी डेडिकेटेड टीम है, हमारी जो एक उत्तरी क्षेत्र के लेखपाल कानून के हैं वो एक तरीके से चल टीम में है, हमेशा वो मोबाइल रहते हैं, तुरंत जब आती है सूचना फटाफट पहुँचते हैं वहाँ पर, और नायब तहसीलदार सुमित के द्वारा भी उसका निरीक्षण पर्यवेक्षण किया जा रहा है।